अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं लौकी गोश्त। बीफ का हमारे पास गोश्त है और ये हमारे पास लौकी है तकरीबन हाफ के जी। ये अभी हमने छीली नहीं है, इसको हम पहले जब गोश्त बन जाएगा उसके बाद हम इसको छीलेंगे। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे रखिए। और ये हमारे पास हैं दो टमाटर, थोड़े दरमियाने साइज़ के हैं। और ये एक हमारे पास प्याज है बड़े साइज़ की, जो हमने बारीक बारीक काट लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो मैंने इसको ताज़ा कूट मोटा मोटा कूट लिया है ताज़ा। और दूसरा ये हमारे पास साबुत गर्म मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग और काली मिर्चें और ज़ीरा। ये हमारे पास गर्म मसाले हो गए साबुत। हाफ के जी हमारे पास गोश्त है बीफ का। और ये मसाले हैं हमारे पास तकरीबन, क्या मसाले हैं, ये ज़ीरा है पिसा हुआ, पिसा हुआ धनिया है, लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, ये इसलिए कलर के लिए ऐड करी हमने, कुटी हुई मिर्ची हो गई। और ये हमारे पास हाफ चम्मच जो है हल्दी का हो गया, और हसबे जायका नमक आप ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हमने साबुत जो धनिया है उसको थोड़ा इस तरीके से हमने कूट लिया है, क्योंकि ये खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मसाले हमारे, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी। और ये चम्मच जो है लकड़ी का है मेरे पास, मैं लकड़ी का चम्मच ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल फील करता है, मैं इसलिए ये चम्मच यूज़ करती हूँ। कढ़ाई हमने वॉश की है क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी खुश्क हो जाए, पानी हमारा खुश्क हो गया। अब ये तेल है हमारे पास, तेल हम अपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन होगा एक कप, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल है। और ये तेल हमारा गरम हो जाए, तेल हमारा गरम होने तक फिर हम इसके अंदर, लौकी गोश्त बहुत मज़े का बनता है और ये घर के देसी खाने हैं। और हमारा तेल गरम हो चुका है, ये हमारे मसाले हैं साबुत गर्म मसाले, ये हमने इसमें ऐड कर दिए इसी। अब ये हमारे थोड़े से कड़कड़ा जाए, कड़कड़ाने के बाद हम इसके अंदर आवाज़ आ रही होगी, और प्याज ऐड कर देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने में बरकत आती है और खाना बहुत लजीज बनता है, बहुत मज़ेदार खाना बनता है बिस्मिल्लाह। जिस काम में जब शुरू में अल्लाह का नाम ले लेते हैं तो वो काम ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम आपका ना हो, तो काम बहुत बेहतरीन काम होता है वो, इसमें आप अल्लाह का नाम शुरू में ले लेते हैं। ये देखेंगे प्याज मैंने पतली काटी है, अब ये हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन प्याज नहीं हो जाती, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये देखेंगे प्याज हमारी, आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हड्डी वाला गोश्त है तकरीबन हमारे पास हाफ के जी, हाफ के जी तो ज़्यादा ही होगा। इसको भी हम इसको भलाई करेंगे इसको, और अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, दो चम्मच अदरक लहसुन फ्राइज इस्तेमाल करती हूँ मैं, उनके फ्राइज इस्तेमाल करना अच्छा टेस्ट है। और जैसे इमाम दस्ते में मैं इसको फिर जैसे मैंने कूट लिया अदरक लहसुन को, तो इसका खुशबू जो है वो अच्छी, अब इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ गोश्त को अपना वहाँ से आवाज। अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि गोश्त में नमक पहले ऐड करने से ये होता है कि इसकी जो बोटी है उसके अंदर नमक अच्छे से जब्स हो जाता है। मसाले बाद में ऐड करेंगे, पहले हमें नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको, इसकी जो गोश्त की हीक है वो हम ख़त्म करेंगे इसी में।
उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। हड्डी वाले गोश्त में ज़ायका ज़्यादा अच्छा आता है, जो बग़ैर हड्डी का गोश्त होता है उसमें यह है कि ज़ायका थोड़ा सा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़ायके में कमी आ जाती है, तो मुझे इसलिए हड्डी वाले गोश्त पसंद है। हालांकि मेरे घर वालों को पसंद नहीं है हड्डी वाला गोश्त, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, हड्डी का मैं खाने में चार चांद लग गया था। ये मेरी अपनी सोच है, अब आप लोग भी क्या सोच है आप लोग खुद बताइएगा मुझे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही है, वो न फ्लाई हो चुकी है हमारी। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर छील के इस्तेमाल किए मैंने, क्योंकि मैं छील के ही यूज़ करती हूँ टमाटर। अब इसको हम अच्छे से अब ये जो मसाले हैं हमारे पास, ये मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाले सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं इसको ढक दूंगी, क्योंकि ढकने से ये टमाटर जब गल जाएंगे इसी में हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखेंगे टमाटर जो थे हमारे तकरीबन गल चुके हैं। आप तेल भी देखें, आप ऊपर आ चुका है इसका। अब इसको हम इसी के अंदर थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे गोश्त गलाने के लिए। दिल से बनाएं, दिल से खाएं, और आप कोई भी चीज़ दिल से बनाते हैं तो यकीनन बहुत अच्छी बनती है। हालांकि कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बना रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, बस ये रोज़मर्रा के हैं खाने जो हम बनाते हैं, और थोड़ा दिल से बनाते हैं तो और अच्छे बन जाते हैं। आप देखें माशाल्लाह। और छीलने से टमाटर से ये फ़ायदा होता है कि आप ये ग्रेवी देख सकते हैं आप, ये टमाटर देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं हमारे, क्योंकि लौकी गोश्त से थोड़ा सा इसमें शोर हुआ होगा, तो ये जो है वो टमाटर तो प्याज जो होते हैं वो मुँह में आती है, अच्छी नहीं लगती प्लेट में रखी हुई, तो इसलिए प्याज हमने बारीक काटी है जो वो भुनाई में भुन गई है। टमाटर भी हमने इस तरीके से छील के ऐड किए हैं, तो वो भी हमारे अभी जो थोड़ी बहुत इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे टमाटर, तो इसको हम अभी मज़ीद जो पानी ऐड करेंगे तो उसके अंदर और गलेंगे, जब हम दोबारा भुनेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो टमाटर तो मुँह में और प्याज मुँह में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें आप ये बन गया, तेल ऊपर आ चुका है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। एक गिलास तकरीबन हम इसमें दो गिलास पानी ऐड करेंगे, और अभी थोड़ा सा तेज़ आंच पे रखेंगे, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा। उसके बाद हम इसको दरमियानी आँच पर रखेंगे। गोश्त हमारा दरमियानी आँच पर बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गल जाएगा। दो गिलास पानी काफ़ी होंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाह। ये देखेंगे सी हमारा दो गिलास हमारे पानी थे तकरीबन यहाँ तक पहुँच चुका है। अब ये है गरम, हम इसको कैसे देखेंगे गोश्त गल चुका है कि नहीं। देख ये देखेंगे सी हमारे, ये थोड़ी सी अभी कसर है, ये देखें हम इसको पानी से देखते हैं क्योंकि फॉक से नहीं हो रहा सही से। थोड़ी कसर है भी इसमें, जैसे पानी है इसी पानी में ये गल जाएगा। हमारा गोश्त बिल्कुल भून चुका है,
तेल आप देख सकते हैं आ चुका है इसके ऊपर। और ये लौकी काटी है हमने, तो हाथ से ये लौकी है ये हमने काट के इस तरीके से हमने इसके पीस कर लिए ऐसी। और ये अब इसको वॉश करके इसे खिला लेंगे इसमें बिस्मिल्लाह रखने वाले हैं। और इसको हम इसमें अच्छे से चलाएँगे और गोश्त तो गल चुका है, जिससे लौकी के लिए हम पानी ऐड करेंगे जिसमें लौकी भी हमारी गल जाएगी और हमारा इसमें शोरबा शोरबा जो है ना वो भी हो जाएगा ना। बस इतना पानी ऐड करेंगे और ये हमारे पास 3000 हरी मिर्च हैं ये देख सकते हैं। इसको हम जैसे साबुत ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका इसका ज़बरदस्त आता है। इसके साथ ही मैं इसको ऐड कर दूँगी अब थोड़ा सा इसके अंदर ये देखा। अब इसका जो कच्चा पानी लौकी का इसके अंदर हम थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने से इसका जो कच्चा पानी निकल जाएगा, थोड़ा सा मसाला इसमें लग जाएगा, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मसाला अच्छी खुशबू आ रही है, हरी मिर्च हम ऐड कर दी इसके अंदर, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब देखिए भून भी अच्छे से रहा है, तेल देखें अब इसको पर आ चुका है। यस ये हो चुका है हमारा, भून चुका है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये पानी ऐड कर दिया हमने, पानी हम अपने अंदाजे से ऐड करेंगे क्योंकि जितने ही ये कि लौकी भी इसमें गल जाए और ये हमारा शोरबा भी जो है वो इसी के अंदर मिले। ठीक है व्यूअर्स ये देखें आप इसकी शक्ल देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल है ये इसकी। बस ये काफ़ी होगा हमारे लिए पानी, अब इसी में लौकी गल जाएगी हमारी और हमारा जो ग्रेवी है वो भी इसी में रेडी हो जाएगी। ठीक है जी अब हम इसको ढकते हैं 15 मिनट के लिए, 15 मिनट बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें व्यूअर्स इसका फाइनल लुक ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें ये अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। ये हमारा लौकी गोश्त जो है आप देख सकते हैं माशा जबरदस्त बना है। ये देखें हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है, सॉरी ये लौकी गोश्त हमारा रेडी हो चुका है ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया गार्निश के लिए ऐड कर देंगे इस तरीके से। और ये हमारे पास है गरम मसाला पिसा हुआ, ये हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए इससे जो है जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, गरम मसाला गोश्त के ऊपर जब ऊपर से ऐड होता है माशाल्लाह से। देखें आप ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट से बताइएगा कि आपको हमारी ये चुकी लौकी गोश्त कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।